आशीष सिंगल जो कि कॉइन स्विच कुबेर से हैं और उसकी को फाउंडर हैं। और हमने अभी पीछे देखा था कि कॉइन स्विच कुबेर ने इंडिया में एक एंट्री करी और एक बहुत ही एक कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम सिंपल सी लगती है लेकिन कोई उसका सलूशन नहीं दे रहा होता। और वो सिंपल सी प्रॉब्लम थी यार कि कोई भी न्यू कमर जब इस इंडस्ट्री में आए तो उसको ये कैसे पता लगेगा कि किस एक्सचेंज पे बेस्ट प्राइस है, कौन सी एक्सचेंज में वो जाए, किधर उसको उसको बेस्ट प्राइस मिलेगा, सेफ्टी सिक्योरिटी उसको कुछ भी नहीं पता होता। और ये प्रॉब्लम किसी ने भी दावा जरूर किया सबने लेकिन सॉल्व करने की कोशिश किसी ने नहीं करी। तो आई थिंक हमने अभी कॉइन स्विच कुबेर को हमने आप लोगों को बताया, पीछे हमने अनाउंस किया था कि लोग इंडिया में काम करने जा रहे हैं, फाइनली दे हैव स्टार्टेड वर्किंग इन इंडिया एंड इट इज ऑलरेडी अ वर्किंग प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो आज हम आशीष से पूछेंगे कॉइन स्विच कुबेर की जर्नी, कॉइन स्विच कुबेर के पीछे कौन लोग हैं, क्या टीम है, और कॉइन स्विच एक्चुअली में है क्या, और कौन सी प्रॉब्लम को ये लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई थिंक लेट्स वेलकम आशीष। सो आशीष वेलकम। ठीक आशिफ, गुड टू बी हियर। थैंक यू। तो आशीष सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि कॉइन स्विच कुबेर है क्या, और उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि कॉइन स्विच क्या आज का ब्रांड है या कोई काफी समय से ही एग्जिस्ट करता है आपकी टीम, और क्योंकि मैंने ये सुना है कि आप इंडिया में अब आए हो लेकिन आप इससे पहले कई देशों में ऑलरेडी एक वर्किंग प्रोडक्ट था आपका, तो थोड़ा सा कॉइन स्विच के बारे में बताइए। जी तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ। लाइक यू सेड, तो कॉइन स्विच 3 साल पुरानी कंपनी है। वी स्टार्टेड इन 2017 एंड शुरू करने का बहुत ही सिंपल रीजन था कि हमें क्रिप्टो को आसान बनाना था। इन 2017 में इफ यू लुक यार, टू एंटर अ मार्केट, टू यू नो बाय या सेल करना क्रिप्टो बहुत ही मुश्किल होता था। एंड V3, मी गोविंद एंड विमल, वो आर द को फाउंडर्स ऑफ द कंपनी। हमारा एक ही गोल था कि इसे सिंपल बनाना है और इसको दुनिया में सबको पहुंचाना है, राइट? 2018 में बैन आने की वजह से वी हैव टू स्विच आर फोकस टू ग्लोबल। तो 2017 में हमने स्टार्ट करा बाय एग्रीगेटिंग डिफरेंट एक्सचेंजेस लाइक बिनेंस, बिट्रिक्स, OKX, कुकॉइन, एंड यूजर्स को बेस्ट प्राइस। तो उनकी लिक्विडिटी एग्रीगेट करके हम यूजर को बेस्ट प्राइस देते थे जब भी वो वन क्रिप्टो टू अनदर में एक्सचेंज कर रहा होता था। एंड हमने इंटरफेस इतना सिंपल रखा था कि सिंपली यूजर हम पे आता था, वो बताता था कि उस पे बिटकॉइन है, उसे इथेरियम खरीदने हैं। हम उसे कहते थे कि ओके, ये प्राइस चल रहा है इस समय, विच इज द बेस्ट प्राइस अक्रॉस एक्सचेंजेस। वो हमें अपने बिटकॉइन देता था, हम कन्वर्ट करके उसके एड्रेस पे ट्रांसफर कर देते थे। तो कोई ऑर्डर बुक, कोई ट्रेडिंग यूजर को सीखने की जरूरत नहीं थी, राइट? और 2017 में ही विद इन 6 months ऑफ आर स्टार्टिंग अप, वी गॉट फंडेड बाय सिक्वोया कैपिटल, विच इज यू नो वन ऑफ द लार्जेस्ट VC फंड्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। सिक्वोया की आपने कंपनीज देखी होंगी, लाइक अन अकेडमी, पेटीएम, लाइक एवरी बिग कंपनी, गूगल इवन, राइट? सो गूगल, यूट्यूब आर ऑल फंडेड बाय सिक्वोया। दैट्स फिनोमिनल। मैं आपको एंड यहाँ रोकूंगा। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं था कि आपकी सिकोया कैपिटल जो है वो एक इन्वेस्टर है, और एंड आई एम श्योर कि वो इतना बड़ा वेंचर कैपिटलिस्ट है कि वो आंख बंद करके तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो आई एम श्योर कि उसने काफी राउंड्स ऑफ डिस्कशन के बाद वो किसी इस कंक्लूजन पे आया होगा कि नहीं, सो दी पॉइंट्स व्हिच गाइज आर लाइक हियर टू स्टे। तो काफी राउंड्स हुए थे एंड क्रिप्टो वाज अ न्यू थिंग एट दैट टाइम, राइट? 2017 बहुत सारी कंपनियां नहीं कर रही थी, बट हमारे बैकग्राउंड की वजह से प्लस जो हमने काम करा, जो हमने ग्रोथ दिखाई थी 6 महीने में, उसकी वजह से सिकोया हैड द ट्रस्ट इन अस एंड यू नो वी डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर सिंस 2017। तो हमारा बैकग्राउंड लिटिल यू नो टू कवर हु वी आर एज पीपल, राइट? तो हम बहुत लाइक मैंने माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन में काम करा है काफ़ी सालों तक। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बनाए हैं एंड आई एम अ हैकर एट हार्ट। सो आई एनी हैकाथॉन इन इंडिया दैट एनी वन कैन थिंक ऑफ, लाइक सिकोया हैक, गूगल कोड फॉर इंडिया, लिंक्डइन हैक, मी एंड माई टीम वुड हैव वन इट। एंड कॉइन स्विच भी इसी तरह शुरू हुआ था कि हमने अपने लिए एक हैक बनाया था कि यार बेस्ट प्राइस कैसे लाएं किसी भी क्रिप्टो का। तो हमने सारी एक्सचेंजेस की लिक्विडिटी कंबाइन करके
एक अपने लिए हैक बनाया कि यार जब भी हम ट्रेड कर रहे हैं हमें बेस्ट प्राइस मिलेगा, राइट। वही हमने पब्लिक में लॉन्च करा, एक महीने के अंदर हम $1 million अ डे ट्रेडिंग कर रहे थे विद इन अ मंथ, राइट। सो दैट काइंड ऑफ ग्रोथ शोड यू नो दैट पीपल वॉन्ट दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, लोगों को ये सिंप्लिसिटी चाहिए थी, राइट। एंड वी एक्सपेंडेड टू 160+ कंट्रीज इन द नेक्स्ट 6 months, got Sequoia involved, and obviously बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी, बट लुकिंग एट द टीम एंड द ग्रोथ दैट वी हैड, आई थिंक दे वर द नेचुरल पार्टनर्स एंड दे टुक द फर्स्ट स्टेप एज वेल। तो हमने कभी रेस करने का सोचा भी नहीं था, वो लोग हमारे पास आए, हमारी टीम देखी, हमारी ग्रोथ देखी, और यू नो वी डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर फ्रॉम दैट पॉइंट। तो आप ये कह रहे हो कि ये बेसिकली ये आइडिया इसलिए जनरेट हुआ क्योंकि आपकी खुद की जरूरत थी कि बेस्ट प्राइस कौन सी एक्सचेंज पे चल रहा है, तो ये आपकी खुद की जरूरत थी, आपने एक एक तरीके का एक यू नो सॉल्यूशन ड्राइव किया अपनी जरूरत के लिए, एंड इवेंचुअली दैट बिकेम अ बिजनेस आइडिया लेटर ऑन। तो हम मतलब हमें कुछ आता हो ना आता हो, हमें एक चीज बहुत अच्छी तरह आती है कि हाउ टू सी द बेस्ट एडवांटेज एंड हाउ टू यूज सिस्टम्स द बेस्ट वे, राइट। क्योंकि हमने अपनी जिंदगी भर यही काम करा है, हमने सिस्टम्स बनाए हैं जो कि बिलियंस ऑफ पीपल यूज, राइट। Amazon, Microsoft, हर जगह हमने ऐसे ही प्रोडक्ट बनाए हैं जो कि लाइक हजारों लाखों करोड़ों लोग यूज करते हैं, राइट। तो मैंने आपका Amazon में प्रोफाइल देखा, आप Amazon में भी आपने कुछ जो उनकी इनोवेटिव एक टीम होती है, जो जिसे कह लो क्राइसिस टीम, के कुछ कुछ ऐसे 3-4 प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया जिसमें हार्डली लोगों को मौका नहीं मिलता, मतलब बेस्ट ऑफ द लॉट को शायद मौका मिलता है, यू हैव टू डेवलप अ प्रोडक्ट इन सम 2-3 weeks टाइम। तो आपने ऐसे अपने करियर में उस टीम में भी काम किया है, कुछ ऐसा भी है? हाँ, तो Amazon में करियर बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आई गॉट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एज वेल, गुड मेंटर्स एंड एवरीवन। तो Amazon में एक कॉन्सेप्ट होता है जेफ बी टीम, जेफ बेजोस इज द को-फाउंडर, इज द फाउंडर ऑफ द कंपनी। तो वो क्या करते हैं कि जब भी उन्हें कोई इनोवेटिव आइडिया आता है या कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना होता है जो मार्केट में फटाफट लॉन्च करना होता है, तो वो 10-20 लोग चुनते हैं Amazon में की टीम, अक्रॉस Amazon, नॉट जस्ट Amazon US, मैं तो इंडिया में काम करता था, तो हर जगह से 20 लोग चुनते हैं जो कि बेस्ट होते हैं इन द थिंग्स दैट दे डू, राइट। उन्हें एक रूम में बंद करते हैं और बोलते हैं कि यार ये काम अचीव करना है, तुम पे 2 हफ्ते हैं, अचीव करो, and we just work and get that done. So aisa one of the such project was Amazon 1-hour delivery, which is called Prime Now in US, which got launched in New York first, and baad mein aajkal wo India mein bhi aa chuki hai, so it's a like 5 years old product now, and abhi wo Amazon Prime Now jo India mein bhi 1-hour delivery unki grocery team use karti hai, wo maine hi banaya tha as part of Jeff Bezos ki. That's so amazing. Yeah. तो ये देखो, ये aspect पता ही नहीं था कि CoinSwitch के पीछे जो team है वो उसका experience क्या है और कितने समय से है. That's amazing. तो simplified form में अगर मैं बोलूं, अगर आपको कुछ कम शब्दों में अगर एक बहुत ही layman आदमी को समझाना हो कि CoinSwitch कुबेर actually में problem क्या solve करती है, तो आप कैसे समझाएंगे उसे कि हम लोग करते क्या है? कि अगर आपको सपोज मेरे मेरे पेरेंट्स को समझाना है कि जी आप CoinSwitch कुबेर यूज करो, तो क्यों करो, क्या क्या होगा उससे, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ. तो देखो, सबको पता है कि क्रिप्टो मार्केट नया है, इसमें थिंग्स आर नॉट इजी, राइट, थिंग्स आर लिटिल डिफिकल्ट, राइट. तो हमारा 3 साल से यही गोल है कि हमें जितना ईजी हो सके उतना ईजी बनाना है क्रिप्टो में एंटर या एग्जिट कर, किसी को भी क्रिप्टो खरीदना है चाहे वो कोई भी हो, राइट, उसको 2 या 3 क्लिक से ज्यादा नहीं लगने चाहिए क्रिप्टो खरीदने में. जैसे आप खाना ऑर्डर करते हो ना आज ऑनलाइन, पहले कोई नहीं करता था, अब वो इतना यूज्ड टू हो गए हैं हम कि हमें पता ही नहीं लगता कि कब ऑर्डर हो जाता है, राइट. इट्स सो ईजी नाउ, राइट. हम Amazon से शॉपिंग करते हैं, वो कितनी ईजी होती है. हमने क्रिप्टो को खरीदना और बेचना इतना ही सिंपल बनाया है इंडिया में यूजिंग CoinSwitch कुबेर, राइट. हमारा गोल इंडिया में यही है कि हम इसे इतना इजी कैसे बना दें कि कोई भी, उसे कितनी भी नॉलेज हो क्रिप्टो की या कितनी भी नॉलेज ना हो, वो इस प्रोडक्ट को यूज करके क्रिप्टो को एक्सपीरियंस कर पाए. तो इफ आई हैव टू पुट इट सिंपली, एक ऐसा CoinSwitch कुबेर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कोई भी
इंडिया में कोई भी बंदा 2 या 3 क्लिक में इजिली क्रिप्टो को बाय या सेल कर सकता है, क्रिप्टो को एक्सपीरियंस कर सकता है, एंड इट्स बिल्ट विद दिस इंटेंशन ओनली. सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जितनी सारी जो भी जितनी भी एक्सचेंजेस हैं उनके प्राइस को आप एग्रीगेट करके जो आपकी आपकी एप्लीकेशन पे जो प्राइस रिफ्लेक्ट हो रहा होता है वो बेस्ट प्राइस रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, राइट? जो सबसे सस्ता जो होता है जिस वहां पे वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो इसमें मैं एक फिट लूंगा, तो इसमें तो प्राइस बेस्ट होना, सिक्योर होना और फास्ट होना, ये हम 3 साल से सॉल्व कर रहे हैं. कैसे हम सॉल्व करते हैं ये, हम हर एक एक्सचेंज पे प्राइस क्रिप्टो का अलग अलग होता है, राइट? तो हम क्या करते हैं, उन सबकी लिक्विडिटी उठाते हैं, एक जगह रखते हैं, और यूजर को ये सब सोचना नहीं होता, यूजर को ऑटोमेटिकली बेस्ट प्राइस मिल जाता है. बिकॉज जब यूजर हमसे कहता है कि से मुझे 1000 रुपए का बिटकॉइन खरीदना है, तो हम उसे डिफरेंट एक्सचेंजेस पे जाके स्प्लिट करके टॉप बिड्स उठा के उसके लिए बेस्ट प्राइस ले आते हैं. तो मैं यूजली वो डिस्कस ही नहीं करता कि कॉइनस्विच बेस्ट प्राइस देगा या नहीं, वो तो गिवन है, वो आपको देगा, बेस्ट प्राइस देगा, सिक्योरिटी टॉप पे रखेगा. तो गोविंद, हु इज द co-founder of CoinSwitch, comes from Amazon authorization service. तो Amazon में जब आप लॉग इन करते हो उसकी जो सिक्योरिटी हैंडल करता है वो गोविंद था. अच्छा. 150 million यूजर्स की सिक्योरिटी का वो इंचार्ज था Amazon में, राइट? Amazing. तो सिक्योरिटी, या सो सिक्योरिटी, बेस्ट प्राइस एंड सिंपल टू यूज इज गिवन. तो मैं कभी उसे बताता भी नहीं एज पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट इनिशिएटिव और एज पार्ट ऑफ CoinSwitch कुबेर, क्योंकि एज अ यूजर अब जब भी आप CoinSwitch कुबेर पे आओगे आपको वो मिलेगा ही मिलेगा, राइट? द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर टारगेटिंग इन इंडिया इज सिंपलिसिटी, राइट? सिंपलिसिटी. तो या इफ दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. या एब्सोल्युटली, और उसकी जरूरत है यार, क्योंकि हुआ क्या है कि 4th मार्च के बाद काफी सारे लोग एकदम इस इंडस्ट्री में नए हैं और एक्साइटमेंट बढ़ी है. आपको भी दिखा होगा प्लेटफॉर्म पे काफी सारी रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइमर्स की बहुत बढ़ी है, और लॉकडाउन के दौरान और अभी भी जो COVID-19 में लोगों का जो कंज्यूमर बिहेवियर ये कह रहा है कि दे आर सर्चिंग फॉर यू नो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आफ्टर स्टॉक एक्सचेंज क्रैश एंड एवरीथिंग, यू नो, एंड द वे स्टिमुलस पैकेजेस आर बीइंग अनाउंस्ड, एंड सो पीपल आर गेटिंग अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स. तो कहीं ना कहीं अब वो लोग वहां से बच के हमारे क्रिप्टो इंडस्ट्री में उतरे हैं और उनको यहाँ सिंप्लिसिटी ना मिले. एक दिन में क्रिप्टो किसी को समझ नहीं आता. आज हम लोग जिस मकाम पे हैं, वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम. सो आई थिंक दैट प्रॉब्लम वॉज एग्जिस्टिंग, बट आई थिंक CoinSwitch कुबेर इज समहाउ, आई फील, आई मीन आपसे बात करके, कि समवेयर दे आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम ऑफ यू नो सॉल्विंग दैट कम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइंग. बिकॉज स्टिल यू नो इन अ सर्वे रिसेंटली इट केम टू अ कंक्लूजन दैट 60% पीपल दे स्टिल लाइक टू होल्ड यू नो बिटकॉइन फॉर अ लॉन्गर टर्म. सो दे पीपल जस्ट वॉन्ट टू कम, they want to buy at the best price and then they want to keep it there, maybe not even they don't want to even transfer it to a different wallet, so they are looking for security as well after buying. So I think somewhere to an extent you are solving that problem. So Ashish, abhi tak ka response kya hai, matlab since your launch, I think it's abhi 2 mahine ho gaye shayad launch ko, 1.5 mahina, 2 mahina, 1 mahina hua. To 1 mahine mein kya response hai, kya numbers hain, agar if you think it is appropriate to share. हमने 3 हफ्ते का प्री लॉन्च करा था विद एन इंटेंशन कि हम 25,000 लोग ही ऑनबोर्ड करेंगे एंड देन वी विल लॉन्च आफ्टर दैट. हम 25,000 की टारगेट से गए थे, हमें 100,000 यूजर्स ने लॉन्च ज्वाइन करा था प्री लॉन्च में, तो 4x हमारा तभी हो गया था. सेकेंड, तो जब से हमने लॉन्च करा है वी हैव सीन ओवर लाइक ओवर 10 करोड़ इन पीपल बाइंग एंड सेलिंग, एंड लॉट ऑफ दीज यूजर्स आर न्यू यूजर्स हु आर एक्सपीरियंसिंग क्रिप्टो फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? तो हमारा एक्सपीरियंस इज द वेल डिफाइनिंग फैक्टर, एंड इसको मतलब 1 महीने का डेटा बहुत ज्यादा नहीं होता, बट 10 करोड़ का वॉल्यूम है या अभी तक 10 करोड़ का, राइट? ओके, 10 करोड़ का इनपुट होके लोगों ने खरीदा है एंड बेचा INR में. अब मैं आपसे थोड़ा ज्यादा होता है उससे, क्योंकि वॉल्यूम में लोग खरीदते बेचते मल्टीपल टाइम. मुझे एक बात बताइए, जैसे लोगों ने, मुझे अगर ये थोड़ा सा फैक्ट बता दें, अगर लोगों ने सपोज खरीदा तो कितने लोगों ने परसेंटेज में खरीद के वहीं रखा है अभी तक, या उसको फिर उन्होंने किसी और एक्सचेंज में ले जाकर ट्रेड करना शुरू किया? तो
ऑलमोस्ट 50-55% लोग वॉलेट में ही रखते हैं. ये मोस्टली नए यूजर हैं जो सिक्योरिटी चाहते हैं हमसे, जो चाहते हैं कि पूरी कॉम्प्लेक्सिटी, मुझे एक्सचेंज की ट्रेड बुक नहीं समझनी, मुझे नहीं ले जाना पैसा और मुझे आपके पास रखना है. तो आपके 50% लोगों ने भी वही रख दिया लेके आपके पास. That's amazing. तो देयर आर अदर सेट ऑफ पीपल एज वेल जो जिनके लिए भी हमने ये बनाया है, जो ट्रेडिंग करते हैं, राइट. तो ट्रेडिंग आप करते हो यूएसडीटी मार्केट या किसी और मार्केट में, राइट. आप INR से हमसे खरीदते हो, एक्सचेंजेस पे ले जाते हो और वहां ट्रेड करते हो. आपको प्रॉफिट निकालना है, आप वापस कॉइन स्विच पे लाते हो और INR में कन्वर्ट करके अपने बैंक में डाल लेते हो. तो रेस्ट ऑफ द यूजर्स आर ट्रेडर्स हु बेसिकली टेक द मनी आउट टू एक्सचेंजेस. वहां पे वो ट्रेड करते हैं, स्ट्रेटजीज लगाते हैं and ultimately to book their profit they come to CoinSwitch Kuber aur wo apne bank mein paisa dal. Got your point. To mujhe to lagta hai aapke liye organic kahin na kahin ye nahi hai ki future mein aap ek open order book exchange bhi aap operate kar sakte. Future mein aapka plan hai kuch aisa? Future mein kar sakte hain. Abhi हमें लगता है कि order book की problem already exchanges ने अच्छी तरह solve kari hai, like Wazirx, Binance, you know, big players who are meant for trading. We are not meant for trading. Hum basically ek normal traders ke liye hain, but traders sirf humse enter ya exit kar sakte hain. Agar unhone trading book dekhni hai, unhe strategies lagani hai, to we are not the right platform for them. And there are good global platform available like Binance, like OKX, like HitBTC, jahan pe wo log apna paisa le jaake बहुत अच्छी तरह ट्रेड कर सकते. लेकिन हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो थोड़ी अलग है. ट्रेडिंग प्रॉब्लम ऑलरेडी काफी लोगों ने ग्लोबली सॉल्व करी हुई है. हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली इंडिया के लिए, कि आप किस तरह INR से बिटकॉइन खरीद पाए या 100+ करेंसीज खरीद पाए और कैसे इन एक्सचेंजेस से पैसा निकाल के आप अपने बैंक अकाउंट में इजिली डाल पाए. तो द प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग इज लिटिल डिफरेंट. तो अभी जैसे आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट देखा और उसके बाद समवे यू गाइस डिसाइडेड टू वर्क इन इंडिया, क्या लगता है आपको रेगुलेशन में? आई वाज गोइंग थ्रू एन आर्टिकल आल्सो, यू हैव गिवन योर रिमार्क्स इन वन ऑफ द आर्टिकल इन कॉइन टेलीग्राफ आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे. सो व्हाट इज योर टेक, आप अगर हमारे व्यूअर्स को बता सको कि आप कैसे देख रहे हो रेगुलेशन को और आपको क्या लगता है? तो रेगुलेशन बहुत 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 जरूरी है इस इंडस्ट्री के लिए एंड स्पेशली क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज यहाँ पर लोगों का ट्रस्ट अब इतना नहीं रहा है. जो लोग ट्रेड करते हैं उनको ट्रस्ट है बिकॉज उन्होंने सिस्टम को एक्सपीरियंस करा है. बट अगर ये क्रिप्टो इंडस्ट्री को बड़ा बनना है तो यहाँ पर नए यूजर्स को आना होगा. नए यूजर्स आने के लिए उन्हें क्रिप्टो पे ट्रस्ट करना होगा. क्रिप्टो पे ट्रस्ट वो कैसे करेंगे? व्हेन दे नो कि गवर्नमेंट हैज लेड आउट अ सेट ऑफ रूल्स विच बेसिकली प्रोटेक्ट्स देयर इन्वेस्टमेंट, राइट. उनके पैसों का कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा है, कोई कंपनी उनके पैसा लेके भाग नहीं जाएगी, उनके पैसों को कुछ नहीं होगा, राइट. मार्केट में जो होगा वो तो मार्केट डिसाइड करेगा, बट किसी की गलती से या कोई उनका पैसा लेके नहीं भागेगा, राइट. तो रेगुलेशंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग फॉर क्रिप्टो कंपनीज टू ग्रो. एंड व्हाई विल दे ग्रो? बिकॉज यूजर्स विल हैव मोर ट्रस्ट इन द क्रिप्टो इकोसिस्टम, राइट. तो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट का पिछले साल स्टैंड था कि क्रिप्टो को बैन कर दो, वो ऑब्वियसली वॉज टू एक्सट्रीम. देर इज अ मिड वे वेयर लाइक गवर्नमेंट हैज डन फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स, राइट. वहां पर एक सेट ऑफ रूल्स सेबी ने लेड आउट करे हैं जिनके थ्रू वो यूजर्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं और कंपनी को हेल्प भी करते हैं ग्रो करने. एंड एक मार्केट ग्रोज विद दोज रूल्स. वी नीड सिमिलर रूल्स इन इंडिया विच बेसिकली यूजर को भी हेल्प करें ट्रस्ट के लिए और कंपनीज को भी हेल्प करें इस मार्केट को ग्रो करें. अच्छा आशीष, मेरा एक और क्वेश्चन था फ्रॉम अ कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू. आपका जो प्रोडक्ट है ना, आपको नहीं लगता कि यार ये वाला जो प्रोडक्ट है ये तो कल को कॉइन DCX भी बना सकता है, Wazirx भी बना सकता है, Binance भी बना सकता है? इनफैक्ट कॉइन DCX का तो ऑलरेडी है, जहाँ पे दे हैव अ प्रोडक्ट जहाँ पे आप एक क्लिक के ऊपर आप क्रिप्टो खरीद सकते हो. तो डोंट यू फील कि कल को जब आपका प्लेटफॉर्म बड़ा होने लगेगा तो यू नो दे माइट लुक एट इट एज समबडी यू नो बिकॉज हु इज लाइक थ्रेटनिंग टू देम, और अल्टीमेटली आप एग्रीगेटर तो वही है, तो
कल को वही अपना ये प्लेटफॉर्म लॉन्च कर देंगे एक क्लिक पे, तो आपको नहीं लगता कि दैट विल प्रूव टू बी यू नो थ्रेटनिंग टू यू मे बी? तो देखो इस इंडस्ट्री में कुछ थ्रेट, इस इंडस्ट्री का किसी भी इंडस्ट्री में थ्रेटनिंग नहीं होता। किसी को प्रोडक्ट बनाना है वो बना लेगा, कल गूगल भी आके सेम प्रोडक्ट बना सकता है अगर क्रिप्टो लीगल हो गया, ज़ीरोधा भी इसी इंडस्ट्री में आके सेम एक्सपीरियंस दे सकता है। इट्स नॉट अबाउट वेदर आई सक्सीड और वेदर दीज कंपनीज सक्सीड, इट्स अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। जो भी इस प्रॉब्लम को सबसे अच्छी तरह सॉल्व करेगा अल्टीमेटली वो विनर होगा इस इंडस्ट्री का। रही बात कॉइन डीसीएक्स, वज़ीरेएक्स, बिनेंस की, तो उनका मेन बिजनेस है ट्रेडिंग, राइट? हमारा मेन बिजनेस है इसको सिंप्लीफाई करके बाय सेल एनेबल करना, राइट? हमारे आइडियाज, हमारी फिलॉसफी, हमारा गोल्स आर वेरी डिफरेंट। एनीवन कैन चेंज देयर गोल्स एंड यू नो बिल्ड अ कंपेटिटिव प्रोडक्ट, नोबडी कैन स्टॉप देम, लेकिन उनका फोकस कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकता। हमारा सिंगल फोकस है, इसे एज सिंपल बनाना है कि दुनिया में कोई भी, इंडिया में कोई भी इसे यूज कर सके। उनका फोकस हमेशा दो डिवाइडेड होगा कि उन्हें ट्रेडिंग भी करवानी है और नए यूजर्स भी चाहिए। तो हाँ यार, आप इतने पुराने हो और सिस्टम के अंदर, और मेरे यूजर्स जो हैं वो एक चीज यू नो बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनना चाहते हैं कि आपको नहीं लगता है कि जो बिटकॉइन का प्राइस है, राइट, काफी समय से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो एक रेंज बाउंड हो गया, और उस रेंज को पता नहीं ब्रेक करने के लिए उसे और क्या क्या करना पड़ेगा, और वर्ल्ड के अंदर इससे ज्यादा अनसर्टेनिटी तो हो नहीं सकती थी जितनी अनसर्टेनिटी अब है। और आई थिंक काफी सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस टाइम तो बिटकॉइन ग्रो कर ही जाएगा, या अपने बैरियर जो एक रेंज बाउंड एक हो चुका है 10,000 US डॉलर को क्रॉस करना उसके लिए इतना टफ हो गया। So this is not an investment advice what I'm asking you, from you, but what is your take on the growth of Bitcoin and crypto overall as an industry? Where do you see this industry going ahead, going forward in another, say, 2 years down the line? I'm not saying 5 years. 5 years in crypto is a huge time, but maybe 1 or 2 years down the line, where do you see, you know, crypto and a Bitcoin moving ahead in terms of its pricing as well? Maybe if you can comment. So pricing pe to main comment nahin kar paunga, and pricing nobody can say, yeah. Right? बिटकॉइन एंड क्रिप्टो इंडस्ट्री को अच्छा करना है टू ग्रो। अगर ये इंडस्ट्री अच्छा करेगी तो प्राइसेस वगैरह आर सेकेंडरी, वो तो दे आर बेसिकली रिएक्शनरी, राइट? सो दे विल रिएक्ट टू व्हेन द मार्केट मूव्स एंड व्हेन द इंडस्ट्री मूव्स, राइट? तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री को एक्सपीरियंस कर पाए। जब in the next 2 years when more people experience this industry, trust this industry, they will help grow this industry. And once the industry grows, iska price, market, sab usi direction mein move hoga, sab exponentially grow hoga agar ise users are able to enter into this market and make it a mass adopted product or a market, crypto market, rather than being limited by the number of traders, just traders. With just traders, ये इतना बड़ा market कभी नहीं बन पाएगा जैसे आप stock का देखते हैं, जैसे आप mutual fund का देखते हैं, right? इस market को grow होने के लिए retail investors चाहिए जिन्हें आसानी से समझ आए चीज़ें, वो आसानी से चीज़ें कर पाए, और जैसे ही वो लोग इस industry में आएंगे, experience करेंगे, ये industry खुद ही grow होगी और वो price में reflect होगा। वो प्राइस कहाँ तक पहुंचेगा उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, बट इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पीपल कमिंग ऑन टू द क्रिप्टो ट्रेन। ओके, वेरी वेल सेड। लास्ट क्वेश्चन आपसे यार, अगर कोई यूजर फर्स्ट टाइम आया है आपकी प्लेटफॉर्म पे, और जो नहीं भी आया अभी तक और जो सोच रहा है इस इंडस्ट्री में एंटर करने की, उसके लिए आपको कोई एडवाइस देनी हो तो आप प्लीज आप कुछ अगर उसके साथ शेयर कर सके कि उसको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो इस इंडस्ट्री में नया है या आने वाला है, एंटर करने वाला है। तो आई थिंक इस इंडस्ट्री में आने के लिए सबसे जरूरी बात है दैट ये इंडस्ट्री अभी भी अनरेगुलेटेड है, ये इंडस्ट्री अभी भी फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा है इस इंडस्ट्री में, तो ऑब्वियसली कोई बड़ा पैसा इसमें ना लगाए टू स्टार्ट विद। पहले एक्सपीरियंस करें, पहले समझे कि ये मार्केट चलता कैसे है। सीधा किसी ने बड़ा अमाउंट डाल दिया और मार्केट फ्लक्चुएट हो गया तो वो
it will deter that user to enter again, or that will deter another set of 10 users that this guy talked to, right? So सबसे पहले जरूरी बात ये है कि आप उसी पैसे से जरूर शुरुआत करो that you are willing to lose. This advice was true in 2017. This advice is true today as well, right? Invest what you can lose, right? Once you get a hang of how things work, then based on your risk appetite, based on, you know, your investment strategies, figure out whether this is the right market for you and then grow your portfolio as per that. So obviously thoda because ye market controlled nahi hai, तो थोड़ा कॉशियसली यूजर्स को इस मार्केट में आना चाहिए. जो प्रोडक्ट उन्हें अच्छा लगता है, जिससे वो उन्हें इजी लगता है, उस प्रोडक्ट को यूज करें, मार्केट में आए, समझें और फिर बड़े इन्वेस्टमेंट को देखें. उससे पहले सीधा बड़ा इन्वेस्टमेंट करना मे नॉट बी अ गुड आइडिया टू स्टार्ट विद. थैंक्स आशीष. लास्ट में बस व्यूअर्स के लिए एक चीज और कि आप कुछ हायरिंग भी कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो आप हायरिंग का डिटेल्स दे सकते हैं. मे बी देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर लुकिंग फॉर जॉब, स्पेशली कोविड 19 में काफी लोगों का जॉब भी गया. सो इफ यू कैन शेयर सम इनपुट्स. सो वी आर ग्रोइंग, वी आर अ टीम. करेंटली हम 30 लोगों की टीम है एंड होपफुली बाय एंड ऑफ दिस ईयर वी वुड क्रॉस 50. एंड प्लीज जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर या बिजनेस या किसी भी रोल में यू नो कंट्रीब्यूट कर सकता है CoinSwitch में, प्लीज मेल एट careers@coinswitch.co एंड यू नो विल टेक इट अप फ्रॉम देयर. वी आर लुकिंग फॉर वेरी स्मार्ट पीपल एंड यू नो सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. तो क्रिप्टो की ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो Amazon, Google में भी रह के लोगों ने सॉल्व नहीं करी. तो दैट्स वाई क्रिप्टो इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर डेवलपर्स, स्पेशली फॉर डेवलपर्स, राइट? एंड ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी विच वी हैव टू सॉल्व वेरी इनोवेटिवली, राइट? विच वी आर डूइंग एट CoinSwitch. तो इफ यू थिंक यू आर रेडी फॉर दिस चैलेंज, प्लीज मेल मी एंड वी विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. वाह, दैट्स अमेजिंग है. मतलब इंटरव्यू के इंटरव्यू और नौकरी का इश्तेहार भी, और आप लोगों के लिए नौकरी के लिए इतना जबरदस्त यू नो ऑप्शन. और मैं ये जो ईमेल आईडी आशीष ने बताया उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको ट्विटर पे भी डाल दूंगा. इनफैक्ट मैं आपकी तरफ से आशीष ट्वीट भी कर दूंगा कि करियर का बहुत जरूरत है आज के डेट में लोगों को. यार बहुत सारे लोग जॉबलेस हैं इस टाइम, और इफ यू कैन हेल्प यू नो आर कम्युनिटी इन देयर ओन वे. वैसे तो आप हेल्प कर ही रहे हैं, बट करियर्स में भी यार मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को अगर इसी इंडस्ट्री में अगर जॉब मिल जाए और इसी में उनका अगर इंटरेस्ट है तो नथिंग लाइन. तो आशीष बहुत अच्छा लगा यार बात करके. मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि मैं आपको और बेहतर तरीके से जान पाया, आपकी टीम, आपकी अचीवमेंट्स, आपके एक्सपीरियंस, आपका बैकग्राउंड, आपके अंदर कौन कौन इन्वेस्टेड है. और सबसे बड़ी बात, एज ए इंडिविजुअल मुझे चाहे वो शरण हो चाहे आप हो, बड़े हम्बल और डाउन टू अर्थ लोग लगे. और इतना बढ़िया प्रोडक्ट बना के आप बैठे हो फिर भी मतलब कहीं जिसे कहते हैं ना वो मार्केटिंग नहीं है, मतलब वो वाली बात नहीं है. मतलब आपको यकीन है कि अगर प्रोडक्ट में दम है, ठोस है, तो प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू अपने आप दिख जाएगी लोगों को. So which is a sign of a confidence. User को कोई भी, user को कोई भी force नहीं कर सकता to use a product or not. What we can do is build the best and let the user decide, you know, what is best for them. ठीक है आशीष, थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा लगा यार. मैं बाकी डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स डाल दूंगा. आप लोगों को अगर CoinSwitch कुबेर पे बाय करना है तो नीचे लिंक दिया है, आप उस लिंक को देख सकते हैं. ट्विटर पे आप इनको फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप आप इनका ज्वाइन कर सकते हैं, सारे जितने भी लिंक्स हैं. और जॉब के लिए आशीष ने बताया है, आप जॉब के लिए भी मैं ईमेल आईडी नीचे डाल दूंगा, आप उस पे ईमेल कर सकते हैं. तो विद दिस थॉट आशीष, थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर शेयरिंग योर टाइम एंड योर विजन एंड योर फ्यूचर. एंड आई एम श्योर कि जिस तरीके से आप लोग एक कम्युनिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं और एक एक है अपनी, आपका इतना बड़ा एक बिजनेस आइडिया बन गया, तो आई एम 110% श्योर लोगों का आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट और प्यार मिलेगा. एंड विद दिस थॉट ऑल द वेरी बेस्ट आशीष, थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.